भोजपुरी सिनेमा के करोड़ों दीवाने हैं। इनके दर्शक पूरी दुनिया भर में हैं। भोजपुरी का जलवा अब साउथ में भी देखने को मिलेगा। दरअसल पवन सिंह की फिल्म 5 भाषाओं में रिलीज होने जा रही है। इससे अब भोजपुरी भाषा और उसके कलाकार का डंका पूरे देश में बजेगा। यह भोजपुरी दर्शकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पवन सिंह के प्रशंसक के लिए भी यह बहुत ही बड़ी बात है। जानकारी के अनुसार हर हर गंगे भोजपुरी भाषा की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है। इसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इसे हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु भाषा में डब करके रिलीज करने की तैयारियां जारी है। गौरतलब है कि इस फिल्म का बजट 4 करोड़ रुपए है। पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस फिल्म का पहला पोस्टर होली के दिन जारी किया गया है। इसे लेकर दर्शक काफी उत्साहित है। लोगों को फिल्म का पोस्टर काफी पसंद भी आया है। भोजपुरी दर्शक इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। पवन सिंह का एक्शन अवतार इस फिल्म के पोस्टर में देखने को मिल रहा है। फिल्म के जारी पोस्टर में पवन मगरमच्छ को अपने कंधे पर पकड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जानकारी के अनुसार इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के बनारस और लखनऊ में की गई है। फिल्म के निर्देशक चंदन कन्हैया उपाध्याय है। वही फिल्म की शूटिंग फिलहाल पूरी हो चुकी है। फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम लगातार जारी है। वही फिल्म का टीजर रामनवमी के अवसर पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म के टीजर के रिलीज होने के बाद इसके रिलीज डेट का ऐलान किया जाएगा। इस फिल्म में साउथ और हिंदी सिनेमा के तकनीशियन दोनों के ही साथ काम किया गया है। गौरतलब है कि फिल्म को हिंदी, बांग्ला, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज किया जाएगा। भोजपुरी की फिल्मों को लेकर पहले लोगों की जो भी राय रही हो, लेकिन अब वह धीरे धीरे बदलने लगी है। भोजपुरी की फिल्मों के बनाने के बजट में इजाफा तो हुआ ही है, साथ ही भोजपुरी की फिल्मों की शूटिंग अब देश के बाहर के लोकेशन पर भी होने लगी है। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्मों की कहानियों में इतना बदलाव आ गया है कि इन फिल्मों को अब कई भाषाओं में रिलीज करने की तैयारी होती है। बता दें कि इससे पहले खेसारी लाल यादव की एक फिल्म गॉडफादर के बारे में आपने सुना होगा कि इस फिल्म को बनाने में इतना बजट खर्च हुआ जितना एक साउथ की महंगी बजट वाली फिल्मों में होता है। भोजपुरी फिल्मों के इस तेज विस्तार के पीछे की एक वजह है इसका दर्शक वर्ग, जो पूरी दुनिया में फैले हैं और इनकी संख्या 40 करोड़ के पार है। आपको बता दें कि जिन भोजपुरी फिल्मों को पहले सिंगल थिएटर की स्क्रीन रिलीज के लिए नसीब होती थी, 50-60 से ज्यादा स्क्रीन पर फिल्में रिलीज नहीं हो पाती थी, वह फिल्में अब मल्टीप्लेक्स में पर्दे पर धमाल मचाती नजर आती हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में पहली भोजपुरी पैन इंडिया फिल्म महादेव का गोरखपुर की घोषणा सुपरस्टार रवि किशन ने की थी। इस फिल्म को 6 भारतीय भाषाओं में रिलीज होने हैं। इसके बाद अब भोजपुरी के पावर स्टार और दबंग अभिनेता और सिंगर पवन सिंह की फिल्म को लेकर खबर आ रही है कि उनकी आगामी फिल्म हर हर गंगे भी 6 भाषाओं में रिलीज होगी। दरअसल पावर स्टार की इस फिल्म के बारे में सभी जानने को उत्सुक थे, जिसका पोस्टर जारी किया गया है, जिसमें पवन सिंह एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। पोस्टर में बनारस के गंगा घाट का नजारा साफ देखने को मिल रहा है, जबकि पवन सिंह अपने कंधे पर मगरमच्छ उठाए हुए नजर आ रहे हैं। पवन सिंह की यह नई फिल्म हर हर गंगे सिर्फ भोजपुरी नहीं, हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली भाषा में रिलीज किया जाएगा। मतलब साफ है कि अब पावर स्टार पूरे देश में छाएंगे। हर हर गंगे का यह पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। पवन सिंह की इस फिल्म हर हर गंगे को अभय सिंह, ए के पांडे और वाईआर वर्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं। पवन सिंह के अलावा इस फिल्म में स्मृति सिन्हा, अमित तिवारी, अरविंद अकेला कल्लू और अनुराधा तिवारी नजर आएंगे। वहीं इससे पहले रवि किशन की बड़े बजट भोजपुरी फिल्म महादेव का गोरखपुर का पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसे 6 भाषा में पैन इंडिया रिलीज होना है। इस फिल्म में रवि किशन शिव के रूप में नजर आएंगे। फिल्म को भोजपुरी और हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज किया जाएगा। ऐसे में यह लगने लगा है कि अब भोजपुरी की फिल्मों का तेजी से प्रसार बढ़ा है और उसकी क्वालिटी में इतना सुधार आया है कि अब इन फिल्मों को भी अन्य भाषा में डब किया जा रहा है, ताकि इसे दूसरी भाषा के दर्शक भी देखकर आनंद ले सकें।